आई विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील्स विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्स विद लिमिटेड सप्लाईज टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन विद स्पेसिफाइड डिमांड. तो जो सप्लाई होती है प्लांट से टू द वेयर हाउसेस, ये हमने देखा था. एट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मेनली तीन पैरामीटर रहते थे उसमें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज टू शेड्यूल शिपमेंट फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन इन सच अ वे सो एज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ऑब्जेक्टिव किसी भी न्यूमेरिकल का या प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, ये ध्यान में रखते हुए कि डिमांड और सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एफएल हिचकॉक इन 1941 इन हिज स्टडी एंटाइटल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू न्यूमरस लोकेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है फर्स्ट अप्लाई किया एफएल हिचकॉक ने, और उसने अपनी बुक में या थीसिस में ये इस मॉडल के बारे में बताया. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन पे तक हम क्या लेके जाएंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से, दैट ही वाज इट वाज डिस्कस्ड. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रॉब्लम. तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसा कि मैंने कल लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था कि अगर हम द सेम प्रॉब्लम इफ वी सॉल्व बाय द सिंप्लेक्स मेथड बाय कंसीडरिंग दिस एज अ एलपीपी प्रॉब्लम देन इट विल बी वेरी टिपिकल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कैसे होगी वी विल डिस्कस. ठीक है, अभी देखेंगे हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाएगी. तो उस कॉम्प्लिकेसी को खत्म करने के लिए हिचकॉक ने क्या किया, एक नया मॉडल दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. तो इन दिस मॉडल प्रोडक्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ सोर्स टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन सब्जेक्ट टू द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिस्पेक्टिवली. तो दिस मस्ट बी डन इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ठीक है. तो वेरियस सोर्सेस कौन से हो सकते हैं, द प्लांट कुड बी अ सोर्सेस, कोई रॉ मटेरियल का स्टोर है या सप्लायर है. ठीक है. डेस्टिनेशन क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट कुड बी अ डेस्टिनेशन, वेयर हाउसेस कुड बी अ डेस्टिनेशन इफ अ रॉ मटेरियल इज नीडेड बाई द प्लांट. तो फ्रॉम द डिफरेंट रॉ मटेरियल स्टोरेज इट इज सप्लाइड टू द डिफरेंट प्लांट. सप्लायर्स ऑल्सो सप्लाई सम गुड्स और सेमी फिनिश गुड टू द प्लांट्स. कमोडिटी कुड बी विच नीड टू बी सप्लाइड, इट कुड बी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. द मेन ऑब्जेक्टिव इन ऑल द केसेज द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ शिपिंग. तो बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन तक वी आर ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड अवर एम इज टू रिड्यूस द टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो सबसे पहले हमने मैंने बताया था देर आर टू स्टेप इन एनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. फर्स्ट इज एक्चुअली देर इज थ्री स्टेप. फर्स्ट इज टू कैलकुलेट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. सेकेंड इज परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट. सेकेंड इज परफॉर्म द ऑप्टिमिलिटी चेक. ऑप्टिमिलिटी चेक हमें परफॉर्म करना है और उसके बाद हमें मोदी मेथड लगाना है, यानी हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मोदी मेथड लगाना है. तो ये दो स्टेप की बात मैं आज नहीं करूंगा, आई विल डिस्कस दिस टू स्टेप इन टुमारोज लेक्चर. ठीक है. आई विल डिस्कस अगेन दिस स्टेप नंबर वन फर्स्ट इन डिटेल. तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने कल देखे थे देर आर फाइव मेथड. नंबर वन इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. कल वाले न्यूमेरिकल में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी 11,600 आ रही थी. रो मिनिमा मेथड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी 11,200. कॉलम मिनिमम मेथड से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी 11,600. लीस्ट कॉस्ट मेथड से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही थी 11,200. एंड बोगस अप्रोक्सीमेशन जो कि मैंने बताया था सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है बोगस मेथड अप्रोक्सीमेशन मेथड,
एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म वैम मेथड. तो 100% एज कम्पेयर टू अदर फोर मेथड इट विल गिव गुड रिजल्ट. तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी. ये हमने कल देखा था. तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय द बोगस अप्रोक्सीमेशन मेथड वाज 10,200, विच इज लेस एज कंपेयर टू अदर फोर मेथड. ठीक है. सो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड कल हमने देख लिया था. नाउ व्हाई वी आर सेइंग इज अ पार्ट ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको समझ लेते हैं. प्रॉब्लम इन एनी एलपीपी प्रॉब्लम, जो हमने ग्राफिकल प्रॉब्लम जब समय स्टार्ट की थी यूनिट वन में, तो मेन स्टेप बस आइडेंटिफाइंग द डिसीजन वेरिएबल, राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइटिंग द कंस्ट्रेंट. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब हम जेड लिखते थे, डिसीजन वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहे हैं मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. डिसीजन वेरिएबल पहले हम डिसाइड करते थे, उसके बाद कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते थे, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते थे. एंड देन नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. लेट अस टेक द सेम प्रॉब्लम. तो ये जो हमने कल जो प्रॉब्लम ली थी, लेट अस टेक द सेम प्रॉब्लम. देयर इज अ मिल्क प्लांट ए बी सी, तीन मिल्क प्लांट है. ये सप्लाई कर रहे हैं पी क्यू आर एस को, और कितना सप्लाई कर रहे हैं 7532, और यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है 6, 1 एंड 10 मिलियन लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली. तो अगर इस प्रॉब्लम में इफ आई से लेट अस से C11 इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिल्क यूनिट मिल्क फ्रॉम प्लांट ए टू पी. तो जैसे मैट्रिक्स है ये हमारी 3x4 की है, लेट अस अज्यूम दिस C11, C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24 एंड C31, C32, C33 एंड C34. दीज आर द कॉस्ट. तो कॉस्ट मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू लिखी हुई है हमारी 2, 3, 11, 7, दीज आर लेट अस से दीज आर C11, C12, C13 एंड सो ऑन. लेट अस से जो भी हम एलोकेशन जो मेड कर बनाते थे, जैसे जैसे हमने सेल नंबर 11 में हमें एलोकेशन दिया 6 और 7, यहाँ पर हमने एलोकेट किया 6. तो लेट अस से दिस 6 इज नथिंग बट एक्स पर. तो लेट अस से दिस एलोकेशन जो भी हम डिसाइड करते हैं X11, X12, X13, X14, X21, X22, X23, X24, X31, X32, X33 एंड X34. जो सप्लाई हो रही है, तो लेट अस से मिल्क ए सप्लाई कर रहा है A1, प्लांट बी जो सप्लाई कर रहा है A2 और प्लांट थ्री सी सप्लाई कर रहा है A3. डिमांड लेट अस से पी में डिमांड कितनी है B1 की, क्यू में डिमांड है B2 की, B3 एंड B4 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो जो भी हम एलोकेशन करते थे, तो लेट अस फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल. तो X12 डिसीजन हम क्या लेते थे, डिसीजन वेरिएबल में क्यों कह रहा हूँ इसे, हम यही तो डिसाइड करते थे कि हमें कौन सा सेल चूज करना है. डिसाइड करते थे किसी भी मेथड से, नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट मेथड से, कौन सा सेल हमें चूज करना है और कितना एलोकेशन देना है. तो दिस कितना गुड्स हमें ट्रांसपोर्ट करना है ये हम डिसाइड करते थे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस X11. ठीक है. तो ये जो टर्म है ये डिसीजन फैक्टर है. तो कितने डिसीजन वेरिएबल हो गए, 3x4 की मैट्रिक्स है ये, तो कितने हो गया 4, 4, 4, 12 डिसीजन वेरिएबल हो गए. तो लेट अस से दिस XIJ इज द क्वांटिटी टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स I to J. सेकेंड स्टेप इज राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता था, जैसे 2 × 6, इसको मैंने एलोकेट कर दिया 1, इसको एलोकेट कर दिया 3. तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते, 2 × 6 प्लस 0 × 1 प्लस 15 × 3. उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट कॉस्ट
की मल्टीप्लाई करते हैं एलोकेशन से, कितना हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 12 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन राइटिंग द कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है, हमारी डिमांड और सप्लाई जो है वो फुलफिल करे। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में आप देखो, यू कैन सी इन एनी न्यूमेरिकल, इफ यू सी इफ यू सम एनी कॉलम, 1 + 6 इज इक्वल टू 7, 5 5, 6 + 3 + 1 इज इक्वल टू 10। यानी किसी भी रो को आप समेशन करो और किसी भी कॉलम को आप समेशन करो, यू विल गेट द इट इज इक्वल टू आइदर डिमांड और सप्लाई। अगर आप रो में डिसीजन वेरिएबल समेशन करोगे तो वो सप्लाई के बराबर हो जाएगा, और अगर आप कॉलम में डिसीजन वेरिएबल का समेशन करोगे तो वो डिमांड के बराबर हो जाएगा। तो सप्लाई मैंने मान ली A1, A2 एंड A3, तो दिस विल बी समेशन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल इन रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, एंड लेट अस से दिस इज द समेशन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल इन कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो फाइनली दिस प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड एज डिसीजन वेरिएबल आ गया हमारे x11, x12 एक्सेट्रा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, देयर आर 7 इक्वेशन, 7 कंस्टेंट इक्वेशन आएंगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया हमारे सॉरी जो डिसीजन वेरिएबल हो गया वो नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल जो हो गया वो 12 हो गए, एंड दीज आर द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन। अगर ये प्रॉब्लम मैं सिंप्लेक्स से सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा, मैं सिंप्लेक्स से भी हो जाएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, सिंप्लेक्स से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सिंप्लेक्स से मैं सॉल्व करूंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालूंगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालूंगा, और आई विल सी व्हाट आर द बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल। पहले मैं बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल बनाऊंगा, नॉन बेसिक भी होंगे जो मैं स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा जिन्हें, और बेसिक वेरिएबल जिनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल निकालूंगा, फिर टेबल नंबर 1 बनाऊंगा, फिर इटरेशन करूंगा, फिर अगेन टेबल नंबर 2 निकालूंगा। तो दिस क्वेश्चन विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यस और नो, कैन यू इमेजिन दिस, ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई, ललित, अनस, निशान, प्रज्वल, सागर कोई नहीं है क्या रूम में? यस ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो जवाब तो दो भाई। सर, अगर यही प्रॉब्लम यस मैं सर, यस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, अगर इसी को मैं अगर सिंप्लेक्स मेथड से अगर सॉल्व करूं तो कितनी सारी टेबल बनानी पड़ेंगी, और टेबल में कितने सारे रोज और कितनी सारे कॉलम हो जाएंगे, यानी आप सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे ये प्रॉब्लम तब जाके सॉल्व हो पाएगी। यस और नो, करेक्ट हो? इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई अ सिंप्लेक्स मेथड। तो क्या किया उसने, हिचकॉक ने सिंप्लेक्स मेथड ना यूज करके इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ केसेस, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल हर जगह अप्लाई हो जाएगा, तो फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही सजेस्ट अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, जो कि हमने कल देखा। कल हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का क्वेश्चन हमने किया, तो देखा ये सुबह से लेकर शाम तक बैठने की जरूरत नहीं है, हम आराम से 15 या 20 मिनट में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अप्लाई करके वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो नाउ दिस आर द स्टेप्स, एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्टेंट अ लीनियर फंक्शन ऑफ x1, द मॉडल कैन बी सॉल्व बाय सिंप्लेक्स, बट इट इज रेदर कॉम्प्लेक्स। तो सिंप्लेक्स मेथड जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट इट कैन बी सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड ऑल्सो। बैलेंस प्रॉब्लम होती है जहां पर डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर हो जाता है। अगर डिमांड डिमांड सप्लाई से कम है या सप्लाई डिमांड से कम है, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन हम ऐड कर देते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, दैट वी विल डिस्कस टुडे। आज मैं वैम के दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो एक प्रॉब्लम जो होगा वो अनबैलेंस मैट्रिक्स का होगा। तो पहला स्टेप हो गया तो फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मेनली बाय वैम, परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो दिस कम्स अंडर द स्टेप नंबर 2 दैट आई विल डिस्कस टुमारो। ये मैं कल वाले लेक्चर में दूंगा, कल वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा,
आई विल डिस्कस मोदी मेथड। तो पहले हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है मेनली बाय व्हेम अंटिल और अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन द एग्जाम। ठीक है, समझ में आ रहा है बोला क्वेश्चन? ठीक है, अब जो अगर आप पहली बार भी ज्वाइन कर रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट वेम मेथड। तो देयर आर सम रूल, आई विल डिस्कस दिस रूल्स लेटर ऑन। जैसे जैसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी मैं ये रूल आपको डिस्कस करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो स्टार्ट करने के लिए हम पहले पेनल्टी निकालते हैं और देन मैक्सिमम पेनल्टी के रिस्पेक्ट में हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या एलोकेशन करते हैं मैक्सिमम पेनल्टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो रो नंबर वन में, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, रो नंबर वन में पेनल्टी हो गई वन, मिनिमम एलिमेंट हो गया 4 और 5। रो नंबर टू में पेनल्टी आ गई वन, रो नंबर थ्री में मिनिमम एलिमेंट हो गया 6 और 5, पेनल्टी आ गई वन, रो नंबर फोर में मिनिमम एलिमेंट हो गया 6 और 5, पेनल्टी आ गई वन, दोनों का डिफरेंस ले लिया। रो कॉलम नंबर वन में मिनिमम एलिमेंट 6 और 5, दोनों का डिफरेंस आ गया वन, पेनल्टी इज वन। कॉलम नंबर टू में पेनल्टी आ गई अगेन वन, कॉलम नंबर थ्री में पेनल्टी आ गई टू, कॉलम नंबर फोर में मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस आ गया 6 और 5 और 6, पेनल्टी इज वन। यहाँ पर अगर 6 और 5, पेनल्टी इज वन। तो देखो मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम पेनल्टी हो गई टू। तो विद रिस्पेक्ट टू टू मैंने ये एरो लगा दिया, यानी फॉर द फर्स्ट ऑपरेशन आई हैव सेलेक्टेड कॉलम नंबर थ्री। तो जस्ट ऑब्जर्व द कॉलम नंबर थ्री वेरी केयरफुली। इन द कॉलम नंबर थ्री कॉस्ट कितनी है, 4, 6, 9 और 7। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है। एक्सक्यूज सर, हाँ बोलो सर, ये 5 में से 7 करेंगे सर, 2 2 आएगा नहीं, मिनिमम एलिमेंट देखना, मिनिमम एलिमेंट 5 और 6, तो 5 माइनस 6। ठीक है, ये गलतियां होती हैं, बहुत नेचुरल सी गलतियां हैं और ये कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया इटरेशन मुझे किसमें करना है, ऑपरेशन किसमें परफॉर्म करना है, कॉलम नंबर थ्री में। तो चूज द एलिमेंट विच इज मिनिमम, यानी यहाँ पर 4 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ 6 रुपए खर्च हो रहे हैं, यहाँ 9 रुपए और यहाँ 7 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है आप खर्चा हमें कम करना है, तो 4 रुपए वाला यानी ये मिनिमम एलिमेंट ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। नाउ इन दिस सेल जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज सप्लाई, 40 एंड डिमांड इज 50। तो मिनिमम इज 15, तो 15 मैंने एलोकेट कर दिया 15। तो यहाँ वेयर हाउस नंबर थ्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। तो 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25। आ गया समझ में? नाउ परफॉर्म द सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड फिर से हमने पेनल्टी निकालनी है। तो 7 6, अब रिमेनिंग देखो रो नंबर वन में रिमेनिंग क्या है, 7 6 5 और 9। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 7 यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। बताओ कितना होगा, यहाँ कितनी पेनल्टी लिखूं, 1 1। नेक्स्ट 1 1 1, यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो वही रहेगी, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, यहाँ तो कॉलम में 4 एलिमेंट है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी, ये कॉलम स्ट्राइक आउट हो गया तो मैं पेनल्टी निकालने की जरूरत नहीं है। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। नाउ इन 1 1 1 1 एंड 1 2 1 1 में हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है, अगेन 2। तो 2 के रिस्पेक्ट में मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यहाँ इस रो में मुझे एलोकेशन करना है। तो कौन से एलिमेंट पे एलोकेशन करना है, 8 5 7 8, किसके किसके करना है, 5 5 पे कर दूं मैं। तो 5 के रिस्पेक्ट में कितना एलोकेशन करूं, 30 30। तो यहाँ पर डिमांड भी 30 है और सप्लाई भी 30 है, तो यहाँ एलोकेशन मैंने कितना कर दिया, 30 का। तो यहाँ फैक्ट्री नंबर 2 के पास अब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बचा, सारा सप्लाई कर दिया, और वेयर हाउस नंबर 2 ने सारा का सारा माल रिसीव कर दिया, तो इसके पास भी अब कोई डिमांड नहीं बची। तो रो नंबर 2 को और कॉलम नंबर 2 को मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। नाउ अगेन कैलकुलेट द पेनल्टी, इज 7 5 9, 7 7 5 और 9, 2 हो जाएगा ना ये, 2 सर, वो 6 स्ट्राइक आउट। हाँ ये स्ट्राइक आउट हो गया है ना 6, तो ये जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2,
यहाँ डैश, यहाँ डैश आ जाएगा, यहाँ कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा 6, 5 - 6 इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 6 - 5 इज इक्वल टू 1। इसको स्ट्राइक आउट कर दिया है, जरूरत नहीं है, ये भी स्ट्राइक आउट है, कैलकुलेट नहीं होगी पेनल्टी। 5 - 6 इज इक्वल टू 1 एंड 5 - 6 इज इक्वल टू 1। तो अगेन द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2, मैक्सिमम पेनल्टी इज 2। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, रो नंबर 1 में एलोकेशन करना है, और रो नंबर 1 में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 5। ठीक है, तो 5 में मैं कितना मैक्स एलोकेशन कर सकता हूँ, विच वन इज 20, 20। तो 20 का एलोकेशन कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा 5। अब वेयर हाउस नंबर 4 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, तो मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया, तो कॉलम नंबर 2, 3 और 4 स्ट्राइक आउट हो गए, और रो नंबर 2 अभी तक स्ट्राइक आउट हो चुके हैं। नाउ अगेन मैंने ट्रेड किया 7 - 9, यानी 9 - 7 इज इक्वल टू 2, 8 - 8 0, 6 - 5 जो रिमेनिंग है वो मैं देख रहा हूँ, 6 - 5 1, 5 - 6 इज इक्वल टू 1, 7, 6, 5 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ डैश लग जाएगा, यहाँ डैश लग जाएगा, 3 कॉलम स्ट्राइक आउट हो चुके हैं। 5 - 6 इज इक्वल टू 1। नाउ अगेन द मैक्सिमम पेनल्टी इज 2, तो वी विल चूज द रो नंबर 1 फॉर द एलोकेशन। अगेन वी विल चूज रो नंबर 1 फॉर द एलोकेशन। इन द रो नंबर 1 रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 7 and 9। मिनिमम कॉस्ट क्या है हमारी, 7। 7 में एलोकेट करना है, मैं कितना एलोकेट कर सकता हूँ 7 में, 5 का एलोकेशन, यहाँ पर 5 है, यहाँ 30, तो 5 इज मिनिमम, तो मैंने 5 का एलोकेशन कर दिया, एंड 30 - 5 विल रिमेन 25। ठीक है, तो 5 का एलोकेशन कर दिया, रो नंबर 1 भी स्ट्राइक आउट हो गई। नाउ अगेन वी विल परफॉर्म, अब देखो क्या बचा है, बस इतना ही बचा है, ज्यादा नहीं बचा है, ये बचा है और इतना बचा है, बाकी पूरी मैट्रिक्स स्ट्राइक आउट हो चुकी है, रिमूव हो गई हमारी क्वेश्चन से। तो 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 5 - 5 डिफरेंस 6 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर 6, 5 इज इक्वल टू 1, ये सब स्ट्राइक आउट हो गया, ये डैश लगा दिया मैंने। नाउ यू कैन सी पेनल्टी इज 1 इन कॉलम नंबर 1, पेनल्टी इज 1 इन कॉलम नंबर 5, पेनल्टी इज 1 इन रो नंबर 4, एंड पेनल्टी इज 1 इन रो नंबर 5। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ तो टाई हो गया, पेनल्टी में क्या हो गया, टाई हो गया, तो इन केस ऑफ टाई वी नीड टू सी सम रूल्स। इन केस ऑफ टाई अमंग द हाईएस्ट पेनल्टी सेलेक्ट द रो और कॉलम हैविंग द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लेट अस टेक रो नंबर 3 में मिनिमम कॉस्ट क्या हो गया 6, और 5 में मिनिमम कॉस्ट हो गया 5, तो जो भी मिनिमम है उसको सेलेक्ट करना है। रो नंबर 4 अगर सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम क्या हो गया 5, कॉलम नंबर 1 अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम हो गया 5, कॉलम नंबर अगर 5 सेलेक्ट करेंगे तो मिनिमम हो गया 5। अब अगेन टाई हो गया, अभी तो टाई हुआ था हमारा पेनल्टी में, और अब टाई हो गया हमारा मिनिमम एलिमेंट में। अब क्या करेंगे, नॉट टेक द सेकेंड रूल नंबर 2, इन केस ऑफ टाई इन मिनिमम कॉस्ट ऑल्सो सेलेक्ट द सेल विच कैन हैव मैक्सिमम एलोकेशन। ठीक है, तो हमारा टाई किसका हुआ है, मिनिमम कॉस्ट में टाई हुआ है, 5 और 5 में टाई हुआ है, तो हमें देखना है कौन से वाले 5 में मैक्सिमम एलोकेशन हो जा रहा है। अगर हम इस वाले 5 की बात करें, यहाँ पर एलोकेशन कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, और अगर इस वाले 5 की बात करें, यहाँ कितना एलोकेशन हो सकता है, 25 और 10 में 10 हो जाएगा। तो अगर आप कोई अगर ट्रक जा रहा है, ट्रक में अगर आप 5 आइटम रख के भेज रहे हो या 10 आइटम रख के भेज रहे हो, तो कौन सा बेनिफिशियल आपके लिए, आप ऑब्वियसली बात है ट्रक में ज्यादा से ज्यादा चाहोगे कि आइटम रख के भेजो, तो वही है मैक्सिमम एलोकेशन। अगर मिनिमम कॉस्ट में अगर टाई हो रहा है, तो वी विल चूज द सेल विच इज हैविंग मैक्सिमम एलोकेशन, तो वी विल चूज दिस सेल, सेल नंबर 3, 4, 1, तो ये वाला 5 हम चूज कर लेंगे, और यहाँ एलोकेशन हमने कितना कर दिया 10 का, 25 - 10 इज इक्वल टू 15, रो नंबर 4 जो है वो स्ट्राइक आउट हो गया। ठीक है, अब केवल 2 ही सेल बचे,
सिक्स और फाइव, तो इन्हीं दोनों से मुझे इटरेशन परफॉर्म करना है। तो सिक्स और फाइव भी मिनिमम क्या हो गया, फाइव। फाइव को मैंने यहाँ एलोकेट कर दिया फाइव, तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो सिक्स में मैंने एलोकेट कर दिया 15। ठीक है, तो जब ये एलोकेट कर दिया तो बाकी के रो और कॉलम सब पूरे हो गए। तो यहाँ 15 एलोकेट कर दिया, यहाँ भी रिक्वायरमेंट 0 हो गई और यहाँ सप्लाई 0 हो गई। यहाँ 5 किया, यहाँ भी 0 हो गई। आ गया समझ में? तो रूल हमारा क्या कह रहा है, यस अगर सर। टाई है हमारा हाईजेस्ट पेनल्टी में, तो हम रो और कॉलम जहां पर मिनिमम कॉस्ट आ रही होगी वो सेलेक्ट करेंगे, और अगर मिनिमम कॉस्ट में भी अगर टाई हो जा रहा है तो वी विल सेलेक्ट द सेल विच इज हैविंग द मैक्सिमम एलोकेशन। तो इन केस ऑफ टाई अमंग द मैक्सिमम एलोकेशन आल्सो, कॉस्ट में भी टाई हो गया, एलोकेशन में भी टाई हो गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सेल जो है वो आर्बिट्रेली चूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 और 5 में अगर दोनों पे 10 और 10 एलोकेशन आ जाते, तो कोई सा भी 5 आप चूज कर देते, फिर आपके हाथ की बात नहीं थी। तो देन इन इन दैट केस वी हैव टू सेलेक्ट द सेल आर्बिट्रेली। ठीक है, तो दिस दिस अबव एक्सरसाइज इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इटरेशन। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ये रूल अगर फॉलो नहीं करोगे, तो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आएगा। फर्दर ये क्वेश्चन और ज्यादा लेंदी हो जाएगा मोदी मेथड में, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दीज आर द एलोकेशन जो कि हमने किए, 5 एलोकेशन यह हुआ, 15, 20, 30 एंड सो ऑन। तो इन दिस यू कैन सी द आंसर। सी एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखने, देखा यहाँ पर मैंने डिफरेंट पेन यूज किया है, सो दैट विजिबिलिटी ऑफ एलोकेशन शुड बी देयर। तो एलोकेशन जो है वो अच्छे से विजिबल हो जाए, इसलिए आप डिफरेंट पेन यूज करो, और जो स्ट्राइक आउट कर रहे हो वो भी आप पेंसिल से स्ट्राइक आउट करो, बहुत ही हल्की पेंसिल से। ठीक है, अगर आप स्ट्राइक आउट और बहुत ज्यादा डार्क करोगे तो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने अभी देखी पिछले सेक्शन में, जो लाइनें आप लोग खींच रहे हो वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी खींच रहे हो। अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था क्विज में, तो अगर आपने लाइनें बहुत टेढ़ी मेढ़ी खींची तो फिर आप मान के चलो एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आएगा। नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई हमारी 510। ठीक है, समझ में आ गया? यस नाउ वी सर। विल सी अनदर केस। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम और करेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इन दिस प्रॉब्लम लेट अस टेक अ क्वेश्चन, फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम व्हिच सेल कंटेन्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो एक कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखी है, अगेन ABCD चार फैक्ट्रीज है। फैक्ट्री में जो माल सप्लाई हो रहा है वो अलग अलग स्टोर पे माल सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फैक्ट्री में, फैक्ट्री ए में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 50 आइटम्स का, फैक्ट्री बी में 70, फैक्ट्री सी में 30 एंड फैक्ट्री फोर में 50 आइटम। तो इसका समीशन हम करेंगे, 7 5 12 3 15 5 20, यानी 200 टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 200 आइटम का हो रहा है चारों फैक्ट्री में मिला के। स्टोर में रिक्वायरमेंट कितनी है, 25 प्लस 35 प्लस 105 प्लस 20 इज इक्वल टू 185। आ रहे समझ में? तो यहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यानी सप्लाई जो है वो ज्यादा है, इन दिस प्रॉब्लम सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। आ रहा है समझ में? तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम करी वहां पर डिमांड जो था वो सप्लाई के बराबर था, बट इन दिस प्रॉब्लम डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। अब करेंगे क्या, इसका क्या मतलब, सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका, इसका मीनिंग क्या हुआ? कंपनी वाले 200 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट मार्केट में रिक्वायरमेंट कितनी है, 185 की। तो जो रिमेनिंग 15 आइटम है वो उसे कहीं तो स्टोर करने पड़ेंगे ना, उसे कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री में स्टोर करने पड़ेंगे या कहीं भी किसी जगह लेके उसे 15 आइटम रखने पड़ेंगे कि 15 आइटम बिके ही नहीं उसके। तो
तो वी नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल स्टोर. यहाँ पर स्टोर क्या है, S1, S2, S3 एंड S4. तो वी नीड टू क्रिएट अ वर्चुअल स्टोर S5. एक हमें एक एक्स्ट्रा स्टोर बनाना पड़ेगा. एंड वी नीड टू एज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन दैट स्टोर नंबर 5 इज 0. तो यू कैन सी हेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 200, डिमांड इज 185. तो सरप्लस कैपेसिटी कितनी बन रही है, 15. उसको मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, एक फिक्शनस और डमी डेस्टिनेशन, मतलब एक वर्चुअल और डमी मैंने एक स्टोर बना दिया विद जीरो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, और मैंने 15 जो है वो वहां पर एलोकेट कर दिया. तो यहाँ मैंने 15 एलोकेट कर दिया एक डमी मैट्रिक्स में, यानी डमी स्टोर में बनाया S5. यानी इन दिस प्रॉब्लम आई हैव एडेड अ कॉलम, एक कॉलम मैंने एड कर दिया. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता जहां पर डिमांड जो है वो ज्यादा होती, सॉरी यहां सप्लाई जो है वो लेस होती डिमांड से. ठीक है, मैं सही कह रहा था, डिमांड अगर ज्यादा होती तब क्या होता, हम क्या ऐड करते, कॉलम ऐड करते हैं, रो ऐड करते हैं. अगर डिमांड ज्यादा होती तो हम एक रो ऐड कर देते, या फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है. लेट अस से रिवर्स अगर देखें, मार्केट में डिमांड है 200 की और हम 185 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, और अगर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो हमें एक प्लांट और ऐड करना पड़ेगा. यानी ABCD प्लांट है तो हमें एक प्लांट और ऐड करना पड़ेगा, और उस प्लांट पे हमें 15 आइटम और बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो जहां पर डिमांड जो है, जब डिमांड ज्यादा होती है, When the demand is greater than, we add row. और जब supply ज्यादा होती है तो we add a column. So we can see this supply is, supply कितनी है, 200. Now we create a dummy store S5 and the cost of transportation in that dummy store is 0. So total demand will be, जो extra जो surplus जो बना रहे थे 15, वो मैंने डमी स्टोर में स्टोर कर दिया. नाउ 25 प्लस 35 प्लस 105 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा. अब नेक्स्ट द रूल्स आर विल रिमेन सेम. ठीक है, तो जो रूल है वो सेम रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. तो कर लें क्वेश्चन या बाद में करें, मंडे वाले लेक्चर में कल जो मैं डिस्कस करूंगा, मोदी मैं डिस्कस करूंगा, इसको मैं कराऊंगा मंडे वाले लेक्चर में. इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो. ठीक है, ले लिया सर. ठीक है, ऐसे करके देखना और आई विल सर. हाँ सर, अनबैलेंस वाला तो सर जो कम वाला है तो उसी में ऐड कर देना बैलेंस करने के लिए. जो कम वाला है सर, जैसे 200 था, एक 185 था, हाँ, 185 में ही सीधा ऐड कर देना सीधा सर, कंफ्यूजन ही नहीं होगा. वो आप देख लो जिधर, वो ठीक है, वो जिधर की साइड कम हो रहा है उधर की साइड ऐड कर दो, वो ठीक है, ये भी तरीका सही है. बट द कंसेप्ट इज दैट अगर आपके पास, वो ठीक है, वो जैसे भी आप याद रखो, रो और कॉलम ऐड करना है बस. अल्टीमेटली इन द अनबैलेंस प्रॉब्लम वी नीड टू ऐड आइदर रो आइदर कॉलम. तो आप चाहे तो याद कर लो, या फिर याद नहीं करोगे तो कंसेप्ट ये है कि अगर ज्यादा आपने प्रोडक्शन कर दिया तो आपको स्टोर करना पड़ेगा, एक वेयर हाउस आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा. अगर मार्केट की डिमांड से अगर ज्यादा मार्केट में डिमांड ज्यादा है और आपका प्रोडक्शन कम है, यानी आपको एक एक्स्ट्रा प्लांट ऐड करना पड़ेगा या प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी. तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा प्लान, यानी फैक्ट्री जो एक फैक्ट्री है वो हम ऐड कर देंगे. तो जैसे समझ लो, आप वैसे समझना चाहो वैसे समझ लो, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझ लो, बात एक ही है. ठीक है, ओके सर.